हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम मिल्क की डेंसिटी किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले। पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था कि एमबीआरटी टेस्ट, जिससे मिल्क की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है, और इसके साथ हमने पढ़ा था कि गर्बर्स फैक्टर, जिससे मिल्क जो होता है उसके अंदर के फैट्स डिटरमाइन किए जाते हैं। आप उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मिल्क के अंदर जो डेंसिटी होती है मिल्क की, वो किस तरीके से डिटरमाइन करती है इसके बारे में। तो ये डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम होता है लैक्टोमीटर मेथड। इससे क्या किया जाता है, मिल्क की डेंसिटी डिटरमाइन की जाती है, मिल्क की डेंसिटी डिटरमाइन की जाती है। अब इसके लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, कुछ एपरेटस लगेंगे। देखिए, आप सबसे पहले तो हमें लैक्टोमीटर चाहिए। लैक्टोमीटर के साथ हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, और उसके साथ हमें चाहिए थर्मोमीटर, जो कि कैलिब्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, आप देखिए, सबसे पहले तो हमें मिल्क का डिटरमिनेशन करना है जो डेंसिटी होती है। तो उसके लिए मान लीजिए कि 10 ml तक का मिल्क का सैंपल हमने लिया, ये 10 ml का मिल्क का सैंपल लिया। अब ये किसमें लेना है, आपको ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लेना है। देखिए, आप यहां पर ड्रॉ कर देते हो, मैं कंसिडर दैट दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर। अब इसके अंदर यहां तक मिल्क होगा, 10 ml तक का मिल्क हो गया। कंसिडर दैट दिस इज द मिल्क अप टू 10 ml, तो इसके अंदर मिल्क हो गया। तो इससे बाद में क्या करना है, जो एक कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर लेना, और इस थर्मोमीटर से इस मिल्क का टेम्परेचर क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इस मिल्क का पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाएगा इस सैंपल का टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए, तो यहां क्या होगा, इसके बाद में हमें लगेगा लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर क्या होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो क्या करना है, हमें एक सी कंडीशन बनानी है कि इसके अंदर हमें लैक्टोमीटर सेट कर देना है। अब ये जो होता है, इसके अंदर ऐसी तरह से प्लेस करना है कि पूरा लैक्टोमीटर इसके अंदर आ जाए। ये हो गया लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर इस मिल्क सैंपल में आ गया, जो कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, इस तरीके से हमें सेट करना है। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस लैक्टोमीटर के ऊपर रीडिंग्स होती है। अब आप इससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी डेंसिटी है मिल्क के अंदर, आप यहां पर रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, किस तरीके से करेंगे हम, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। देखिए, आप डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, और इसके अंदर आप बोलोगे कि ये क्या है। तो ये जो होता है स्टैंडर्ड, जो हमें टेम्परेचर मिला, ये टेम्परेचर होता है जो लैक्टोमीटर का। और जो ये टी है, आप देखिए, सबसे पहले तो T1 जो होता है वो सैंपल होता है उसका टेम्परेचर होता है। मान लीजिए यहां पर हमने 25 डिग्री दिया, तो T0 क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वो हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ जो कोरिलेटेड टेम्परेचर होता है, वो मतलब इन दोनों की नेगेटिव, मतलब यहां पर T1 में से हमें T0 माइनस कर देना है। तो क्या होगा, यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारा मिल्क का सैंपल का टेम्परेचर आ गया, उसमें से हमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो माइनस कर देना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर डिफरेंस क्या आ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर टी की वैल्यू हमें आ जाएगी 5, ठीक है। और जो होता है वो फैक्टर, वो जो फैक्टर का जो रेशियो होता है, जो फैक्टर टेम्परेचर फैक्टर जो होता है, जो F से डिनोट किया जाता है, वो 0.2 लेते हैं, ये हम लेते हैं 0.2। तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहां पर मैं अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करता हूं। अब इससे आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, 1 + L, ये कितना है हमारा 25, जो कि ये टेम्परेचर इसका हमने डिटरमाइन किया था थर्मोमीटर की हेल्प से। तो इसके बाद में क्या होगा, जो टेम्परेचर है, ये जो टी की वैल्यू यहां पर क्या आई हमारी 5 × ये जो है फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, वो 0.2। देखिए आप कैलकुलेशन, आप 25 + यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1.026 ग्राम पर ईएमएल, 1.026 ग्राम पर ईएमएल एक डेंसिटी आ गई मिल्क की। ये पर एमएल की डेंसिटी है कि 1 ml मिल्क के अंदर 1.026 इतनी डेंसिटी हो गई। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली, अब एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आता है कि डायरेक्टली आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गई जो
मिल्क की डिटर्मिनेशन करती है उसकी डेंसिटी की, तो ये लैक्टोमीटर मेथड है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। अब टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्योंकि इसकी रेंज अगर 27 आ जाए या फिर 29 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, तो इसके हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज होगी और आप इस फॉर्मूले से उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।